मुझे छोड़कर चले गए। तो दोस्त नहीं दुश्मन है दुश्मन, तू अपने आप को शेर कहता है लेकिन शेर नहीं, तू तो शेर है शेर। आराम जाने जाने जुबान चली तो जुबान खाकर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं तो तुझे एक दोस्त कैसा रास्ता था लेकिन तू पिताजी का दुश्मन और मेरा दुश्मन निकल गया। अपने आप को बहादुर कहने वाले कायर पिताजी को छल से मारा और चोरी से मारा। अरे बेहया गद्दार इतनी कैसा किया ये पिताजी को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं तुझे मार डालूंगा। शेरा सिंह के गिरे हाथ पर हाथ डाले वाले ये ससुर गनाथ सबको देख लिया है। मेरा काल बनेगा। अरे तू काल है तो ये शेरा सिंह महाकाल है, तुम्हें तो कभी चिंता नहीं छोड़ता है। तुम्हें शेरा सिंह के फिर वार पर हटा रहा है, आप तुझे मेरे बाप के पास पहुंचाता हूं। जय घनश्याम मिले तो मेरे श्याम। कहते हैं बच्चों को तलवार से मारना कुछ भी लोग गाजा कब काम होता है। इससे किसी काली पहाड़ी के नीचे डाल देता हूं और मजा जब आएगा जब इस जंगल के सारे जानवर शैले का मांस नोच नोच कर खाएंगे। अच्छा बाबा हम भाग्य में हमारे पेट में मार डाल, हमारा किस्मत बढ़िया भगवान लिखे।
अब चलिए भैया चलते हैं, साहब का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐ मेरे वतन के जरा खेले जा सकते हो
उसी झाड़ी के करीब एक उल्टा नदी बहती है। नदी जी बच्चा उछलते कूदते उस नदी में जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। ठीक कहते हो शेर सिंह, लेकिन ये तो आप होने क्या चाहिए? वही होना चाहिए, लाइट बताओ चाहिए। ठाकुर हमारी बतिया के जरा ध्यान रखिएगा, बताइए शेर सिंह ये बात को आप जानते हैं या मैं जानता हूँ? और तीसरा जानता देसाला मोहनचवा जानता आबादी की चिंता मत करो। अगर ये बात महाराज के कानों कान खबर हो गई तो आपकी रास्ते निकासी हो जाएगी, ये शेरा सिंह की फांसी हो जाएगी। शेरा सिंह ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे वो समझा दो पालतू कुत्तों को। इलाहाबादी सुना तुमने? सुना तो था लेकिन भूल गए। फिर सुन लो एक बार, ये बात जो तुमने सुना है ना ये किसी चौथे इंसान से नहीं बताना, एक सलाइचा जारी किसी से नहीं बताना है। से लेके क्या सकता तो से नहीं, किसी से नहीं बताना। तो ठीक है मंत्री साहब, अगर आप कहते हैं कि किसी से नहीं बताना तो हम आपके खोपड़ी में जो बार है उनकी कसम खा के कहते हैं कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे तो कहाँ बताएंगे? कहाँ बताऊंगा? जहाँ कहूँ बड़ा भारी बरम भोज हो, रामलीला मेला लाभ हो, लेसन के पंचायत लाभ हो, जी लोग कम।
राधा जी ये बताओ, जहां तक हमारा लाल जी है, हमारी जनता को, हमारी प्रजा को, हमारी रियायत को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है महाराज? जहां तक हम देखभाल करते हैं अपनी जनता का, वहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी दरबार में आता है कुछ लेने के लिए, तो हम उसे कुछ ना कुछ जरूर दिलवाते हैं महाराज। बहुत अच्छा काम करते हो। बड़े ठाकुर सेरा से आज बात क्या है कि महाराज जी अपने दरबार में बस बैठे हैं। महाराज जी का खर्च होता है कि महाराज से उदासी का कारण पूछे गए। यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता था, क्यों हम लोग जाकर महाराज की उदासी का कारण पूछे। सेरा से आइए बोलो क्या कहना चाहते तो कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, कैसे गमगीन बैठे प्रताप सिंह, ये जानना चाहते हो कि आज हम गमगीन की बैठे हैं, उदास की बैठे हैं, क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं? लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, प्रताप सिंह जब मेरा राजकुमार 5 वर्ष का नन्ना बन्ना बच्चा था, हमारी महारानी का
देहांत हो गया। उस सदमे को हमारा बच्चा सहन ना कर सका, अपनी याददाश्त खो बैठा है, सवाल हो गया है, लेकिन अपनी याददाश्त वापस नहीं ला पा रहा है। उसे लोग पागल कहते हैं। हम इसी चिंता में हैं कि अगर मैं ना रहूंगा इस तख्त और ताज पर कौन बैठेगा, और हमारे बगैर ये जनता की देख देख कौन करेगा। तान मेरी सम्राट ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। उससे आगे किसकी राय से चंदस्ती राजन खतरनाक हो, खतरनाक हो राजन। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हैं। हमसे मसलन जोर से होकर
विजयपुर रियासत की तरफ जा रहे थे। तब से आए थे महादेव विक्रम सिंह अपने बंगले से श्रीवास्तव राज की ओर जा रहे थे और तब से एक हफ्ता गुजर गया हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इससे मंत्री की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। निकल जाओ दरबार से, दूर हो जाओ मंत्री अपने सामने से, निकल जाओ महाराज दरबार से, निकल जाओ महाराज सर। श्री महाराज, तुम तो हमारे इस राज के वफादार सिपाही हो। बहुत वफादार महाराज, हम जैसा वफादार सिपाही कभी यहाँ आए नहीं है। हाँ हाँ, ये बताओ तुमने कहीं सेना नायक को देखा है? बता तो तुम जो ले कहाँ है, चलो घूम जाओ। सेना सिंह की खोपड़िया है कंप्यूटर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और भगवान करे कि झूठ न बुलाए। महाराज, आप वफादार सेनानायक वीर बहादुर विक्रम सिंह इस वक्त सीमा सरहद पर तैनात। उन्हें राज दरबार बुलाया जाए, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब नहीं तो आप चुप रहो, कहा हमारे पुत्र निकल गया वो फाउ कर बुलाए जुगाड़ उसमें तो सेना भगत भगवान नहीं कुछ भरता। महाराज, हम कल उनके घर गए थे महाराज, उनके घर में बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, दोनों लोग होटल में चाप पिया, वो अपनी सेना तरफ चले गए और मैं अपनी सेना तरफ। महाराज, हम सरासर झूठ बोल रहे हो। हम कभी झूठ नहीं बोलते। अभी तुमने कहा था कि वो सीमा सरहद पर हैं और भी दो लोग क्या कर गए थे? निकल जाओ नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। निकल जाओ कपाल, निकल जाओ दरबार से। इलाहाबादी निकल जा। आपने आशा ले जाता पंचकुरे के जुखाम में ना। बोलिए बोलिए, हम तो जान रहे हैं, याद रखना हमारी पतिया वरना तुझे साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाकाल अलाहाबादी, तुम हमारे राज के एक छोटे और वफादार नौकर हो। हम कभी प्रजा की तरफ जाते हैं तो तुम्हारे घर जरूर जाते हैं और हमें जानते हैं गरीब आदमी अगर तुम्हारा नमक खाया है दोस्तों तो झूठ नहीं बोलेगा, नमक अदा करने के लिए अपनी जान भी गवा देगा। मुझे विश्वास है इलाहाबादी, तुम उससे सही बताओगे। तुमने कहीं सेना नायक को देखा है? जो भैया सही कहा, दुई के बीच में किस रहिए हो रहा यार। मंत्री उदय प्रताप सिंह निकल पीछे पीछे शेरो सिंह खसा के अब बचे न हम, और अगर कहूँ मान लियो हम बता दे तो इन दिनों हम कभी इसे फाट आ गए बाकी पर रहते, और अगर नहीं बताते हैं तो महाराज ने कहा कि गरीब आदमी जिसका नमक खाता है झूठ नहीं बोलता है। तो क्या है महाराज, आपने हमसे अचानक पूछ लिया तो हमें अंदर धक्का धक्का हो रहा है। हमको दो मिनट का समय दीजिए महाराज। यार भैया क्या करिए, हमका बता दे तीनों हमका भाग डाले।
लेकिन एक बात जान ले, हमारे मन में शंका है कौनो मिलकर से बंदूक ताने हुए मारे से काम खत्म। पहले भैया हमारा मन करा कि हमें कई चीज देख ले, नहीं मारे तो हमारा गया हो जाए। तो भैया बंदूक ताने अपान जान मारे क्या है? अरे सोची रही हूँ कई चीज आता बता दे भैया, एक बात और जान ली, हम कहूँ बता दे अभी दिनों पे झाकल कर ले है। ठीक है महाराज, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि हम आपके राज के वफादार नौकर हैं। क्यों नहीं, हमने आपका नमक खाया है, हम आपसे जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। मुझे यकीन है तुम सही बताओगे। महाराज, जो आपके राज दरबार के महामंत्री उदय प्रताप सिंह हैं, उन्होंने सेना सिंह को हुक्म दिया कि जाओ सेना नायक का खून कर दो, और सेना सिंह सेनापति के बंगले पर गए और उन्हें झांसे से जंगल शिकार खेलने के लिए ले गए, और महाराज वही जंगल में धोखे से सेना सिंह ने सेनापति का खून कर दिया। कैसा समाचार सुनाया इलाहाबादी? आज मैं तत्कर संघ के खिलाफ बात ने सुनाया, मेरा सेनानायक हमारे इतिहास की शान था। क्या करें हम यार महाराज हैं, अगर